नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो यदि आप भी जुटे हैं अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में, तो हाल ही में मतलब आज ही एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के इस एसडीजी इंडिया इंडेक्स का ये तीसरा संस्करण है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। तो इस कक्षा में बाइलिंगुअल रूप में मैं आपसे कंप्लीट चर्चा करूंगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में और जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो लगभग 170 पेजेस की एक पूरी रिपोर्ट इन्होंने जारी की है और वो पढ़ना तो सभी छात्रों के लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन मैंने उसका एक छोटा सा संक्षिप्त ओवरव्यू देने का यहाँ पर प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा, तो अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से मुझे जरूर बताएं और आरएस और आईएएस के लिए और अधिक वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और देखते हैं सबसे पहले कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स आखिर है क्या। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पूरे विश्व भर में जो है वर्तमान समय में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसको हम जानते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। औद्योगिक क्रांति के बाद में लगातार पिछले 200 वर्षों में जो कुछ गतिविधियां मानव और मानव समुदाय द्वारा की गई हैं उनके परिणाम स्वरूप आज हमारे समाज में असमानता, लोगों तक संसाधनों की असमान पहुंच और ऐसी बहुत सी समस्याएं देखने को मिली है जिनका सामना करने में हम सक्षम नहीं हैं। और इसीलिए एक बार फिर से प्रकृति के साथ विकास को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में 2015 में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का समय पूरा हुआ, उसके बाद 2030 तक कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए जिनकी प्राप्ति से एक अच्छे समाज, एक अच्छे विश्व की रचना हो सकती थी, एक अच्छे विश्व तक हम पहुंच सकते हैं जहां पर हर एक व्यक्ति को बेहतर भोजन, बेहतर पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और अच्छा वातावरण मिल सके। और इसी क्रम में इन गोल्स की प्राप्ति के लिए सभी जो देश हैं वो प्रयास कर रहे हैं और भारत भी उनमें से एक है। तो भारत ने अपने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको लेकर के जो योजनाएं चलाई है उनकी प्रगति, उनके मूल्यांकन और विभिन्न राज्यों की स्थिति को जानने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स नामक एक जो है डैशबोर्ड को तैयार किया है और प्रतिवर्ष ये जानकारी देता है कि कौन सा राज्य जो है कहाँ तक पहुंचा है और अभी कितना काम किए जाने की जरूरत है। तो हमारे एसडीजी प्रयास जो प्रयास हैं उनका एक महत्वपूर्ण उपकरण इसको माना जाता है जो निगरानी करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। यह एक सूचकांक है जो वैश्विक लक्ष्य, मतलब यहां पर यह लक्ष्य का मतलब है गोल्स और यह दूसरा लक्ष्य है टारगेट्स। तो वैश्विक टारगेट्स और गोल्स को पूरा करने के लिए हमारी यात्रा में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को देखता है। राष्ट्रीय स्तर मतलब समग्र रूप से पूरे भारत की प्रगति कैसी है और उपराष्ट्रीय स्तर मतलब हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से काम कर रहे हैं। यह स्थिरता अर्थात जो सस्टेनेबिलिटी है, लचीलापन मतलब रेजिलियंस और साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप, इनके संदेशों को प्रचारित करने के लिए एक वकालत उपकरण अर्थात ये एक एडवोकेसी टूल के रूप में काम करता है। यह दर्शाता है कि हमने सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस और पार्टनरशिप के फील्ड में कितना काम किया है। यही है एसडीजी इंडिया इंडेक्स जिसकी रिपोर्ट 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा एक बार फिर से जारी की गई है। तीसरी रिपोर्ट है जिसमें लगभग सभी 17 गोल्स जो हमारे एसडीजी के हैं उन्हें और इसके जो टारगेट्स हैं 169 उन्हें सम्मिलित किया गया है। आइए इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। सन 2018 में सबसे पहले अपना पहला संस्करण नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स का किया था जिसमें 13 लक्ष्य लिए गए थे और 39 टारगेट सेट किए गए थे और 62 इंडिकेटर्स थे जिनको इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया। इस बार का जो लक्ष्य है उसमें सभी 17 लक्ष्य, ठीक है, हमारे जितने भी टारगेट्स हैं 169 टारगेट्स हैं, ठीक है, और 115 संकेतक, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। सूचकांक का यह संस्करण जो है उन साझेदारियों पर केंद्रित है जिन्हें हमने अपने एसडीजी प्रयासों के दौरान बनाया, मतलब जो पार्टनरशिप्स हमने बनाई है। पार्टनरशिप से तात्पर्य है कि सरकार अकेले इस काम को नहीं कर सकती है और इसी काम में मदद देने के लिए विभिन्न प्रकार के एनजीओज, स्थानीय संगठन, सरकारें, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी मिलकर के काम कर रहे हैं।
तो कैसे ये पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है इन गोल्स को अचीव करने में, उस पर इस बार के पूरे रिपोर्ट को केंद्रित करने का प्रयास किया गया है और इस पार्टनरशिप का महत्व भी बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि इस पार्टनरशिप को किस किस रूप में हमने सम्मिलित किया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का ये जो दशक है इसको डेकेड ऑफ एक्शन बोला गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का कार्रवाई का दशक जो है उसे 2030 का एजेंडा, जो एजेंडा 2030 है, जो कि एसडीजी गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार किया गया है, और एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा वादा है उसको साकार करने को हमने समर्पित किया है। तो जो इस साल का कार्रवाई का दशक है वो एक तो 2030 एजेंडा और एसडीजी गोल्स इनको प्राप्त करने की बात करता है, ठीक है, और उसी चीज के लिए हम भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं कि इस पूरे के पूरे इंडेक्स में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई, मल्टी स्टेक होल्डर जो पार्टनरशिप है उस पर इस बार फोकस किया गया है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप ही हमारे सतत विकास लक्ष्यों की आधारशिला है। मतलब अगर फाउंडेशन किसी चीज को बोला जाए इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, तो वो फाउंडेशन है मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप होना जरूरी है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए काम करना है, तो केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रह के आप शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सम्मिलित हो। इसी तरह से यदि हमें सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है तो ये काम भी हम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के सभी प्लेयर्स जो हैं, जो की होल्डर्स हैं, वे भी आएं। जैसे कि इस बार आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा हाल ही में COVID-19 से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सभी को साथ लिया गया है। उनको सभी को सीरम्स बनाने के लिए, बहुत से इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मदद दी जा रही है और दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, तभी जाकर के हम इसी चीजों से लड़ सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार और अन्य हितधारकों के पास अतीत में किसी भी समय की तुलना में एक दूसरे के साथ सहयोग करने और भागीदार होने के ज्यादा कारण है। मतलब आज जो स्थिति है उसमें ज्यादा रीजंस हमारे पास टू कोऑपरेट, कोलैबोरेट एंड पार्टनर विद ईच अदर, क्योंकि अब अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता, खास करके COVID-19 की स्थिति में जब मानव प्रगति या ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत तरीकों से जो है हैंडल किया गया है, बाधित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, अर्थात जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उसने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला और उसमें कहा कि 2020 में जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, जो ग्रोस डेवलपमेंट जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें वैश्विक गिरावट हुई है 4.6%। मतलब अगर 100 रुपए हमारे पास थे इस साल की शुरुआत में तो अंत में ये 95.4 ही रह गए हैं। मतलब वृद्धि करने की बजाय गिरावट का स्तर हमको देखने को मिला और इसीलिए सभी स्टेक होल्डर्स का एक साथ जुड़ना जरूरी है। ये बात भी इस SDG इंडिया इंडेक्स में कही गई है। इसी तरह से OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो है उसके अनुसार एक रिपोर्ट निकाली गई है सतत विकास के लिए वित्त पोषण पर वैश्विक आउटलुक, मतलब ग्लोबल आउटलुक ऑन फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021। तो यह दर्शाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे गोल्स हैं उनका कैसे वित्तीय पोषण किया जा रहा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे विकासशील देश अर्थात जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि भारत है, उनमें लगभग 1.7 trillion अमेरिकी डॉलर की कमी है उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो उसे 2020 में आवश्यक थी। तो आप सोचिए कि हमारे पास आज ही धन की कमी है, ऐसे में अकेली सरकारें कैसे काम करेंगी, और इसीलिए आवश्यक है कि सब मिलकर के काम करें। दूसरा क्या हुआ कि जब हम एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस कर रहे थे उसी दौरान एक बड़ी समस्या COVID-19 की आ गई और ज्यादातर देश जो है वे स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि महामारी के संकट ने बहुत बड़ी मात्रा में हमें परेशान किया है। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है अकेले भारत में ये गरीबी की रेखा के नीचे धकेल देगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बहुत से लोगों ने अपना रोजगार खोया है, कुछ ने अपने परिवार को खोया और सामाजिक जो स्तर है उसमें काफी गिरावट जो है देखने को मिली है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस COVID-19 के दौर में सभी देश मिलकर के एक साथ पार्टनरशिप में काम करें, तभी जाकर के हम इससे उबर पाएंगे और हमारे इन गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएंगे।
तो साझेदारी के कुछ प्रकार भी इसमें बताए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। पहला टाइप है, उसको बोला गया है लेवरेज और एक्सचेंज। तो इस टाइप्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आकांक्षी जिलों का एक कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर पिछड़े हुए 112 जिलों को चयनित किया गया था पूरे देश से, ताकि उनके लिए विशेष जो है उपाय किए जा सके। तो इसी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसके लिए भारत सरकार के नीति आयोग ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जायका, उसके साथ एक साझेदारी की, और ये साझेदारी लीवरेज या एक्सचेंज प्रकार का एक उदाहरण है। यहां JICA अर्थात जायका पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए फाइनेंशियल ऐड करता है, और उसके बदले में नीति आयोग जो है विकास चुनौतियों को हल करने और समृद्धि के निर्माण में निवेश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। तो दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये टाइप वन है जिसको हम बोल रहे हैं लीवरेज एक्सचेंज प्रकार। तीन प्रकार साझेदारी के हैं, जिनमें से पहला टाइप है लीवरेज एक्सचेंज प्रकार। तो जहां पर एक काम को, एक पूरा का पूरा टारगेट है जिसमें से एक काम को एक एजेंसी कर रही है तो दूसरा काम दूसरी एजेंसी कर रही है, और दोनों मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सेकंड टाइप है उसको बोला गया है कंबाइन या इंटीग्रेट। इसमें दो से भी अधिक संस्थाएं आपस में मिलकर काम कर रही है, जैसे कि भारत का स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा या फिर इंडियाज वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमने कितना काम किया, इस चीज को निर्धारित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। इसके अनुसार जो भी देश SDG गोल्स को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, उनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने स्तर पर ही जो है रिव्यू किया जाएगा कि हमने कितनी प्रगति की है। तो इसको पूरा करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र और CSO के जो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट्स हैं, वे सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। तो देखिए, इन विच द यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया एंड CSO अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड टू ब्रिंग आउट द चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ग्रास रूट्स ऑफ 14 पॉपुलेशन ग्रुप्स। तो अलग अलग 14 जो समुदाय हैं, उनमें एक जमीनी स्तर पर कुछ अच्छा करने और चुनौतियों को दूर करने का काम ये सब मिलकर कर रहे हैं, जिसमें वुमेन्स, चिल्ड्रंस, पीपल विद डिसेबिलिटी, माइग्रेंट्स, अर्बन पुअर, इस तरह के ग्रुप सम्मिलित हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन, अर्थात एकीकृत करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। अब देखिए, नीति आयोग ने इसको शुरू किया और वैधता प्रदान की, UN ने इसको फाइनेंशियल और टेक्निशियल जो है हेल्प की है, और जो हमारे कॉर्पोरेट सोशल जो CSO संगठन है, अम्ब्रेला संगठन है, उन्होंने जनसंख्या समूह को संगठित किया और कोशिश की डॉक्यूमेंटिंग, जो भी काम हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो भी हम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेड करने में, उनको एंट्री करने में उन्होंने काम किया। तो तीनों ने मिलकर के एक साथ काम किया। यहां पर तीन ही नहीं, CSO अम्ब्रेला संगठन बहुत सारे हैं, कोई एक संगठन नहीं है, तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको बोला कंबाइन या इंटीग्रेट तरीके की पार्टनरशिप। ये सेकंड टाइप हो गया पार्टनरशिप का। इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर साझेदारी कर रहे हैं। तो नीति आयोग द्वारा जो SDG का स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन करने का जो काम है, उसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म। दरअसल SDG लोकलाइजेशन के लिए जो भारत सरकार है, वो एक के बाद एक निचले स्तर की ओर बढ़ रही है, पहले राज्य की तरफ और उसके बाद जिला स्तर पर, सभी के बीच में एक पार्टनरशिप को बनाया जा रहा है, ताकि एक साथ मिलकर के तीनों स्तर पर काम हो सके। और इसी के लिए हम जो वर्ड जो यूज कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं टाइप थर्ड को ट्रांसफॉर्म। तो यहां से आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि SDG गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो साझेदारी है, उनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, क्योंकि UPSC में तो उदाहरण बहुत पूछे जाने लगे हैं। तो यहां से आप ये तीनों के उदाहरण भी देख सकते हैं और उनको अपने प्रश्नों के उत्तर में भी लिख सकते हैं। चलिए, इसी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी चर्चा की गई है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। उस टॉपिक को मैं यहां छोड़ रहा हूं, उस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं रैंक्स के बारे में। तो पहले तो हम SDG 1.0, 2.0 और 3.0 में डिफरेंस देख लेते हैं। 1.0 दिसंबर 2018 में आया, 13 SDG के 39 लक्ष्य थे, ठीक है, 13 गोल्स थे और 39 टारगेट्स थे और 62 इंडिकेटर थे। दिसंबर 2019 में सेकंड आया, जिसमें 17 गोल्स, 54 टारगेट्स, ठीक है, और जो वर्तमान है उसमें जो है 17 लक्ष्य,
और 169 हमारे टारगेट्स और 115 संकेतकों को हमने सम्मिलित किया है। तो सारे के सारे गोल्स हमारे इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अभी रैंकिंग्स को देखते हैं कि कैसे रैंकिंग दी गई है, रैंकिंग का तरीका क्या है और क्या उद्देश्य बनाए गए। तो इंडेक्स 3.0 के जो टारगेट्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो क्या है? सबसे पहला तो रैंकिंग देना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, अलग अलग जो 17 गोल्स हैं उनमें जो उनका प्रदर्शन है उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान करना। तो सभी को इसमें रैंकिंग दी गई है। इसी तरह से जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए भी रैंकिंग दी गई है। देखिए 17 गोल में जो 17वां गोल है उसके लिए अलग से रैंकिंग नहीं दी गई है, केवल 16 गोल में दी गई है, क्योंकि 17वां जो है ना कोलैबोरेशन करता है सभी के बीच में, जितने भी जो एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एक साथ लाने का काम ये करता है। तो जो हमारी समग्र रेटिंग है उसी के साथ इसको जोड़ दिया गया है, अलग से 17वें जो हमारा गोल है उसके लिए कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, ठीक है। एक समग्र स्कोर, टोटल स्कोर भी बताया गया है हर एक राज्य का, जैसे कि केरल हो गया सबसे टॉप पर है तो उसका टोटल स्कोर कितना है, ठीक है। इस तरह से वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ानी पड़ेगी, जब प्रतिस्पर्धा होगी तभी हम इन लक्ष्यों को हमारे तय किए गए समय तक प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा लक्ष्य यह हो गया। इसके बाद में जो तीसरा लक्ष्य रखा गया है वो यह है कि राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अपने साथियों की अच्छी प्रथाओं से सीखने में सक्षम बनाना। भाई कोई एक है जिसने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो हम क्या बोलते हैं, क्लास में कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है कि भैया उसके पास जाओ उससे सीखो उसने कैसे किया है। तो सेम टू सेम यहां पर भी वही प्रयास किया जा रहा है ताकि वे भी इसे सीखे। फिर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सांख्यिकी प्रणाली में डेटा अंतराल को उजागर करना, तो उनका जो भी स्टेटिक्स है उसमें जो भी कमी है उसको सामने लाना और लगातार ज्यादा डेटा एकत्रित करने का प्रयास करना, यह भी इसका लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो मॉनिटरिंग है उसको बेटर करने का काम यहां पर किया गया है। जो भी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए और वो जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, ना कि आंकड़ों में। तो ये सारे लक्ष्य रख करके इंडेक्स 3.0 बनाया गया है। कंपटीशन बढ़ाना, रैंकिंग प्रदान करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और अपने साथी जो है उनसे वो सीखे, इसके लिए प्रयास इसमें किए गए हैं। इस क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप उन नोट्स को ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग गोल्स के लिए कौन टॉप पर रहे हैं। तो सबसे पहला गोल, यहां से आपको गोल भी कवर अप हो जाएंगे जो 17 गोल है। पहला गोल है नो पॉवर्टी। देखो सबसे पहले इंसान की जरूरत होती है भूख, ठीक है, और कोई गरीब आदमी भूखा ही रहेगा, तो पहला तो गरीबी हटाओ, पहला ही गोल जो है वो रखा गया है गरीबी को हटाने के लिए। नो पॉवर्टी, किसी भी फॉर्म में पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अंत होना चाहिए। तो इसमें तमिलनाडु फर्स्ट पर है जबकि दिल्ली सेकंड पर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये है जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें तमिलनाडु फर्स्ट है जबकि जो हमारे जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दिल्ली फर्स्ट है। गोल सेकंड जीरो हंगर है, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो भूख है लोगों की उसको समाप्त करना, लोगों को भोजन मिलना सुनिश्चित करना, ये इसमें रखा गया है। केरला फर्स्ट पर रहा है, चंडीगढ़ सेकंड पर रहा गया है। फिर थर्ड आता है स्वास्थ्य से जुड़ा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुजरात इसमें सबसे टॉप पर है जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में है। गोल फोर क्वालिटी एजुकेशन है, जब हमें गरीबी हट गई, भूख जो है शांत हो गई और हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि बचपन से बच्चे को यही चीजें देते हैं शुरुआत में। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की, तो केरला और चंडीगढ़ ये दोनों जो है एजुकेशन में टॉप पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की। भाई लड़का और लड़की में भेद नहीं होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बात की जाती है। तो जेंडर इक्वलिटी को कवर अप करने का काम छत्तीसगढ़ ने सबसे बेहतर किया है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने किया है। इसके बाद छठा गोल आता है अच्छे साफ पानी की और स्वच्छता की। गोवा, क्योंकि स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, फर्स्ट पर है। लक्षद्वीप भी अपने केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट पर है। गोल सेवन की बात करें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में, तो लगभग हमारे बहुत से जो राज्य हैं उन्होंने इस गोल को अचीव किया है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो ये सभी जो है 100% अचीवर्स की श्रेणी में आ चुके हैं। तो एक जो सातवां गोल है, देखो जैसे कि छठा गोल जो है इसमें कुछ अचीवर की श्रेणी में है, अलग अलग चार कैटेगरीज, आगे मैं बताऊंगा। अचीवर की श्रेणी में मतलब जिसने सब कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो जैसे गोवा है उसने अचीवर की श्रेणी प्राप्त की, इसमें 100% उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में भारत के बहुत से राज्य हैं जिन्होंने
ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो गोल 6, गोल 7 और गोल 10, इन्हीं में केवल जो है ये लक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे कि गोल 10 में जो है जो असमानता है लोगों के बीच में उसको कम करने के लिए मेघालय 100% अचीव कर चुका है। आगे आता है गोल 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर तरीके से बढ़े, इसके लिए हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पर है, चंडीगढ़ फर्स्ट पर है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास के लिए गुजरात पहले पर, दिल्ली पहले पर। ये हो गए हमारे 10 गोल। इसके बाद नेक्स्ट गोल हमारा आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो स्मार्ट सिटीज और इस तरह की जो योजनाएं चल रही है उनको लागू करने में पंजाब फर्स्ट पर, चंडीगढ़ फर्स्ट पर। गोल 12 रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो चाहे कोई सा प्रोडक्शन हो, न केवल अच्छा प्रोडक्शन हो बल्कि जो कंजम्पशन है, जो हम खा रहे हैं, जो हम एंटेक कर रहे हैं, जो भी हम उपयोग कर रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से हो, ये नहीं कि बर्बादी हम कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन को भी इसमें लिया गया है, जलवायु कार्रवाई हम कितनी कर रहे हैं। तो उड़ीसा फर्स्ट नंबर पर है, अंडमान निकोबार फर्स्ट नंबर पर है। लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जीवन है उसके संरक्षण में उड़ीसा फर्स्ट पर है। लाइफ ऑन लैंड, धरती पर जो जीवन है उसमें अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पर और चंडीगढ़ फर्स्ट पर। जबकि गोल 16, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, न्याय और शांति के लिए प्रयास करने वालों में उत्तराखंड और पुडुचेरी दोनों फर्स्ट नंबर पर हैं। 17वां गोल मैंने आपको बता दिया है, 17वां गोल सभी में कोलैबोरेशन करता है तो वो यहां पर नहीं लिया गया है। अभी बात करते हैं रैंकिंग की। तो यहां देख सकते हैं टॉप 3 स्टेट्स में ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप 3 स्टेट्स में केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु पहले पर है। जबकि सबसे नीचे की बात करें तो बिहार, झारखंड और आसाम इसमें सबसे नीचे है हमारे स्टेट्स में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारे जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश है तो चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप यहां पर टॉप 3 में है, जबकि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव सबसे लास्ट यहां पर है। इनमें एस्पिरेंट जो है उस कैटेगरी में कोई भी नहीं है, पहले एस्पिरेंट हुआ करते थे लेकिन अभी 0 से 49 का स्कोर किसी का नहीं है आउट ऑफ 100। परफॉर्मर की कैटेगरी में बहुत से राज्य हैं, ठीक है। फ्रंट रनर की कैटेगरी में बहुत से राज्य हैं, अचीवर कोई भी नहीं बनाए। कुछ टारगेट्स जरूर उन्होंने अचीव किए लेकिन कंप्लीट जो समग्र स्कोर है उसमें नहीं कर पाए। तो इस नक्शे से आपको पता चल जाएगा अभी तक भी उत्तर भारत के बहुत से जो राज्य हैं वो जो है अभी तक फ्रंट रनर जो है परफॉर्मर की स्थिति में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मर की स्थिति में सारे के सारे उत्तरी भारत के राज्य हैं और उत्तर पूर्वी राज्य, दक्षिणी राज्य बेहतर स्थिति में है और जो सबसे उत्तरी राज्य है वो भी बेहतर स्थिति में है। तो ये फ्रंट रनर में है जबकि अचीवर में और जो लोअर कैटेगरी है जिसको हमने फोर्थ कैटेगरी बोला था एस्पिरेंट, उसमें कोई सा भी राज्य हमारा नहीं है। अब इसके पीछे भी बहुत से कारण है कि ये राज्य ही क्यों पीछे है। तो एक तो इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आबादी का होना सबसे बड़ा कारण है। एजुकेशन में ये बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे एजुकेशन आ रहा है, थोड़ा रूढ़िवादिता ज्यादा है तो जेंडर इनइक्वलिटी भी बहुत कुछ यहाँ पर कहती है। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा नहीं है लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के पास संसाधनों की कमी होने की वजह से वे थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। राजस्थान जैसे क्षेत्र जल की उपलब्धता को लेकर के पिछड़े हुए हैं। तो बहुत सी चीजें हैं संसाधनों को लेकर के, या फिर पूरा का पूरा एक समग्र व्यू हम देखें तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को ज्यादा जो है आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बार बहुत से राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया और आने वाले टाइम में ये सभी राज्य भी जो है फ्रंट रनर की स्थिति में आ सकते हैं, ऐसा उम्मीद हमको है। तो यह है दोस्तों वो क्लास जिसका मैंने प्रयास किया आपको समझाने का SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से मुझे बताएं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों जो भी हमारे प्रयास है वो आप सभी के लिए हैं, तो बस आप ही इसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें इसी तरह। धन्यवाद।